प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी डी ए ट्रेपेजियम है, ए बी पैरेलल डी सी, ये साइड इसके पैरेलल है एंड डायगोनल्स ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट इच अदर एट ओ। आपके जो ट्रेपेजियम आप देख पा रहे हैं, ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, ए बी पैरेलल डी सी एंड डायगोनल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट इच अदर एट ओ, मतलब इसके जो डायगोनल्स है ये दूसरे को ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट इच अदर एट ओ एंड ऑल्सो ए बी पैरेलल डी सी। टू प्रूव AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, अब ये दो है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन सा AO अपॉन BO, तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन जब करेंगे तब हमारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इसको हम ओ यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन लाइन ओ ए बी सी डी ओ पी कर देते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ड्रा ओ पी पैरेलल ए बी, हमने ओ पी को इसके पैरेलल ड्रा कर दिया। सॉल्यूशन आप देखिए, इसमें चाहे पहले इस ट्रायंगल को ले लो, इस ट्रायंगल को चाहे पहले इस ट्रायंगल को ले लो, किसी ट्रायंगल को ले लो, इसको लेंगे तो ये पहले आएगा, इसको लेंगे तो पहले आएगा। हम पहले इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, इन ट्रायंगल एडीसी ओ पी पैरेलल डी सी, ये लाइन इसके पैरेलल क्यों है, देखो इसमें ए बी पैरेलल डी सी एंड ओ पी पैरेलल बी ए बी देन ओ पी पैरेलल डी सी। अब समझ गए होंगे ना कि ये ऑलरेडी इसके पैरेलल पहले से गिवन है और इसको हमने इसके पैरेलल ड्रा किया, तो जब ये इसके पैरेलल है इधर, ये इसके पैरेलल है, सो ये इसके पैरेलल होगा। और इससे पहले आपने उसमें पढ़ा था कि अगर कोई दो एक ही वस्तु दो वस्तुओं के इक्वल होती है तो वो आपस में भी इक्वल होती है, जैसे ये इसके है, ये इसके भी पैरेलल है और ये इसके भी पैरेलल है, तो ये भी इसके पैरेलल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में गए आप, तो ये इसके पैरेलल हो गई। अब जब पैरेलल हो गई तो हम यहाँ पर थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि इस ट्रायंगल में हमने लिया है ए ओ ए ओ और ओ सी, ठीक है। तो ए ओ अपन सी ओ इजकल टू, देखो इतना अपन इतना इजकल टू इतना, जब यहाँ ओ ए हमने पहले लिया है तो ओ ए की जब पी ए आ गया, पी ए अपन पी डी हो जाएगा, नंबर एक बाय थेल्स, ठीक। अगेन इन ट्रायंगल ए डी सी जाए, ए बी डी में ले लो, ए बी डी तो ए ओ पी पैरेलल ए बी और ये पैरेलल है, तो सेम वही तरीका लग जाएगा, ओ बी अपान ओ डी, ओ बी अपान ओ डी इज इक्वल टू पी ए अपान पी डी, नंबर टू बाय थेल्स, ठीक है। अब यहाँ फ्रॉम वन एंड टू, वन एंड टू कंपेयरिंग कंपेयर कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम है, ये हिस्सा सेम है, और जब ये सेम है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ए ओ अपान सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपान डी ओ। और क्या करेंगे, ए ओ इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दो, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ, हेंस प्रूफ, ये प्रूफ करना था। आगे समझे,
सबसे पहले हम स्ट्रेंगल में ले लेंगे, उसके बाद इसमें लेंगे, या आप इसको पहले ले सकते हैं, इसको बाद में ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी को ले सकते हैं। यहाँ पैरेलल ड्रा करने के बजाय इधर भी पैरेलल ड्रा कर सकते हैं, आएगा वही यम का ओनली वन पेयर अपोजिट पेयर पैरेलल होता है, चाहे ये पैरेलल हो चाहे ये पैरेलल हो, कोई एक अपोजिट साइड पैरेलल होती है। तो ये ए बी सी डी हमारा क्वाड्रिलेटरल है और इसके डायगोनल ए सी और बी डी एक इंटरसेक्ट ईच अदर एट होम। ए बी सी डी इज एन क्वाड्रिलेटरल एंड डायगोनल ए सी बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट होम सच दैट ए ओ अपन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपन डी ओ। ये इसका रेशियो गिवन है ऑलरेडी। टू प्रूव ए बी सी डी ट्रेपेजियम कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, हम पहले यहाँ से इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये पी, तो ड्रा ओ पी पैरेलल डी सी, हम इसको इसके पैरेलल ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ए डी सी इसमें ले लो पहले ओ पी पैरेलल डी सी, और जब ये पैरेलल हो गया तो ओ ए अपान ओ सी इज इक्वल टू पी ए अपान पी डी हो गया नंबर एक। एओ अपान सीओ ठीक है इज इक्वल टू वही डीपी आ गया, पीडी डीपी एक ही होता है, चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे डीपी कहो या पीडी करो, लाइन सेगमेंट आपका वही आएगा, ठीक है। और ये ट्रेपेजियम यहाँ पर इसको अथवा हम क्या लिख सकते हैं कि एओ अपान सीओ इज इक्वल टू बीओ अपान डीओ, ये हम इस तरह से भी इसे राइट कर सकते हैं। और इसके लिए क्या है कि ये आप देखिए कि ये हमारा ये हिस्सा है, ठीक, ये आप ध्यान से समझ लेना। वी कैन राइट इस ए अपॉन डी ओ ऑन सी इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ, इसको इधर ट्रांसफर कर दो इधर, अब ए ओ एंड सी ओ ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सेम आ रहा है, बट ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू क्या है बी ओ अपॉन डी ओ ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। अब यहां पर ले लो अगेन इंट, ये नंबर दो हो गया, इंट एंगल ए डी बी इस ट्रायंगल में ले लो, तो ये आपका है ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ, सो जब ये इसके बराबर है और यही चीज इसके बराबर है तो ये हो गया बी ओ अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी ए अपॉन डी ए, पी ए अपॉन डी ए, पी ए अपॉन डी ए, ए ओ और ए ओ सी हो गया, ये और ये आ जाएगा, ये हो गया नंबर टू, ठीक है। ये इसके बराबर हमने थेल्स यूज किया, बाय थेल्स बाय थेल्स ये इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये इसके पैरेलल है, और जब इसके पैरेलल है तो इतना अपान इतना इज इक्वल टू इतना अपान इतना, बट ये इसके इक्वल गिवन है यहाँ पर ए अपान सी ओ इज इक्वल टू बी अपान डी ओ, तो जब ये सेम इसके इक्वल है और ये चीज सेम है तो ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है ना। तो ए ओ अपान सी ओ इज इक्वल टू बी ओ अपान डी ओ हो जाएगा फ्रॉम टू, ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू, और जब इसका रेशियो बराबर हो गया तो बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स, थेल्स क्या हो जाएगा ओ पी पैरेलल
ए बी ठीक है, बट ओपी पैरेलल डीसी बाई कंस्ट्रक्शन तो जब ये इसके पैरेलल हो गया, अगर हम इसको इसके प्रूव कर दिया देयर फॉर ए बी पैरेलल डी सी और इफ एनी टू साइड्स ऑफ अपोजिट साइड एनी If opposite sides of a quadrilateral are parallel, then it is trapezium. Hence, AB CD is a trapezium. Hence proved. एक बार समझ लें इसे. ABCD is a quadrilateral diagonal AC and BD intersect each other at home. To prove ABCD is trapezium. Draw construction में draw OP parallel DC. हमने इसको इसके parallel draw किया. In triangle ADC, OP parallel DC by thus AO upon CO is equal to PA upon DP या PD हो गया, लेकिन but AO upon CO is equal to BO upon DO given है, so BO upon DO is equal to PA upon DP हो गया, तो ये इतना इसके parallel हो गया, sorry ratio में बराबर हो गया, BO upon DO is equal to AP upon PD और by converse of thus अगर रेशियो बराबर होता है तो साइड पैरेलल होती है तो ओपी पैरेलल ए भी हो जाएगा, बट ओपी पैरेलल डीसी बाय कंस्ट्रक्शन से सो ए बी पैरेलल डीसी और इफ अपोजिट साइड इफ एनी वन अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल देन इट इज ट्रेपेजियम सो ए बी सी डी ट्रेपेजियम। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को हमारा वीडियो अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि आप इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। आपके लिए सुझाव है कि अगर आप इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, अदरवाइज आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ज्योमेट्री सबसे कठिन और सबसे इजी चैप्टर होता है और इजी टॉपिक होता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। नमस्कार।